अभी शायद 2-2.5 किलोमीटर हुआ है गाइस, कुछ ऐसे रास्ते से जा रहे हैं यार। सो गाइस अब हम लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं, करवाएगी कुछ गाइस। ये हम चल रहे हैं, हमें बहुत टाइम तो हो गया है, फिर भी मुझे नहीं लगता 3 किलोमीटर हमने क्रॉस किया होगा। बहुत टाइम हो गया है। के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे ये नहीं है यार, बोला बागे बिहारी लाल की जय। करा चाट चौपाटी की। गाइस आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल हमें फिर से वही रूम मिल गया जो हमारा जिससे हम निकले थे। मतलब हुआ कैसी ना, हम जैसे बाहर को निकले सामान मन लेकिन भैया आप क्यों जा रहे हो, आपका तो हमने रूम वापस यही वाला कर दिया। हमने कहा भैया आप तो मना करते थे, देन उसे नहीं नहीं आप ये वाला ले लो, और हमने किसी और में बात कर ली थी, तो फाइनली हमें वही रूम मिल गया। अब हमारे थोड़े से कपड़े लेने की, कपड़े गए भी तो यहाँ से जल्दी से कुछ राधे राधे टिकट कर लेते हैं, कुछ कुर्ता उर्ता, और फिर उसके बाद आगे को अपना सफर तय करेंगे। देखो इसको अंकल से कैसे मजे ले रहा है। इस कपड़े तो हमने कुछ लिए नहीं, हम लोग आ गए मीठा पान खा रहे, तो अंकल अभी मीठा पान बना रहे हैं, तो मीठा पान खाते हैं फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे सफर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएँ। शाम मंदिर सारे शाम को खुलेंगे, इसलिए तो सब खाएँ का रुमाल बांध रहे हैं, मेरे पास भी तो है रुमाल पे। गाइस हम लोगों ने परिक्रमा शुरू कर दी है 12 किलोमीटर की, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस ब्लॉग में, ठीक है, सिर्फ राधे 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 बोले, राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम। तो गाइस परिक्रमा करते करते हम एक जगह पे आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, आपको दिखाता हूँ मैं। भाई कितना प्यारा लग रहा है भाई, बोटिंग हो रही है। तो गाइस अभी इस रास्ते पे कुछ पहुँचे हैं हम, सारी बोट्स खड़ी हैं यहाँ पे और यहाँ से जाएंगे हम आगे को, तो अभी शायद 2-2.5 किलोमीटर हुआ है एंड बचा है पूरा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का 12 किलोमीटर का है, 10 कह रहा था, चलो 10 किलोमीटर फिर बचा है अभी, तो चलते हैं। गाइस कुछ ऐसे रास्ते से जा रहे हैं यार हम लोग, और फिसलने का इतना गंदा हो रहा है ना, राधे 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 राधे। कठिनाइयाँ तो आएंगी गाइस, कुछ ऐसी यहाँ पे बोट्स है और अभी हम अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं, और यहाँ से देखो हमको अब यहाँ से पार करना है, तो भाई ये परिक्रमा 12 किलोमीटर की तो है पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, कुछ करते हैं। अभी यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, और एक बात सबसे अच्छी है कि धूप नहीं है, क्योंकि धूप होती तो मैं तो पसीने से बुरा हाल हो जाता, फिलहाल अभी भी है पसीने से बुरा हाल लेकिन इतना नहीं है, और शक्ल तो देख रहे हो आप कैसी हो गई है फिलहाल। अभी वेट करते हैं दोस्तों का, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, और हमारे 4 फ्रेंड्स पता नहीं कौन से रास्ते से निकल गए, तो वो हमको वहीं पे परिक्रमा पूरी होने पे मिलेंगे अपने कहीं रास्ते में। फिलहाल अभी यहाँ से जाते हैं निकल के, इन लोगों ने तो जूते भी उतार लिए, हमने बहुत संभल के फ़ोन देखता हूँ निकालूंगा तो ठीक होता नहीं। सो गाइज अब हम लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं, और ऐसे कुछ हालात हो गए हैं, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स को तो पता नहीं कौन सा गली का रास्ता मिला, वो लोग निधिवन की साइड से कहीं से निकल गए, और निधिवन अभी हम लोगों को जाना है, तो हम फिर से जाएंगे निधिवन, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, मुझे देखना है। उसमें अभी मथुरा का प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया, अब सीधे हम ट्रेन पकड़ने के लिए मथुरा कल जाएंगे, और अभी ये देखो, लेकिन हाँ कल हम जन्मभूमि मथुरा में देखना ज़रूर जाएंगे, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना। फिलहाल अभी चलते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, ऊपर से भी रास्ता था यहाँ से कहीं से, लेकिन वो लंबा रास्ता इसलिए हम लोगों ने ये वाला रास्ता पकड़ लिया। अब चलते हैं यहाँ से आगे को, और फिर आपसे मिलते हैं इसको क्रॉस करने के लिए। तो गाइस इसने ना केले अभी अभी लिए हैं, अरे बंदरों को दे दिए, और ये हमारा करवाएगी कुछ,
हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया, इधर को आ साइड। एक बंदर लेके चला गया सारे, ऐसे देते हैं, ऐसे फेंकती ना उधर उधर को थोड़ा। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है बंदरों को। हाँ, किसी दिन बंदर तुझसे मजे ले लेंगे ऐसी। क्या मैंने उनको तंग उड़ी क्या? हाँ, ये सुदामा कुटी, सुदामा कुटी मार्ग पहुंच गए हम लोग, और अभी कुछ 9-10 किलोमीटर होगा, 9 किलोमीटर तो और होगा ही, 10 तो हो गया था, 9 किलोमीटर और होगा, मतलब 1 किलोमीटर और हो गया था। अभी देखते कितना टाइम लगता है हम लोगों को। सबसे अच्छी बात है कि मौसम ने साथ दे रखा, वरना जितना मैं अभी पसीने में हूं ना, इसका डबल ट्रिपल हो जाता। सो गाइस वो देखो वहां पे कौन से पेड़ है, शायद कोकोनट के पेड़ है। कोकोनट के पेड़ है? किसके? खजूर के पेड़ तो छोटे नहीं होते कभी। सो गाइस ये हम चल रहे हैं, हमें बहुत टाइम तो हो गया है, फिर भी मुझे नहीं लगता 3 किलोमीटर हमने क्रॉस किया होगा। बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया है, मगर लगता नहीं है। जिस हिसाब से हमारी शक्ल दिख रही है पता चला होगा हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है पहले से ही। ओके, तो हम चल रहे हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है, बंदर सामने से आ रहे हैं, हम एकदम जो है ना खतरों के खिलाड़ी खेल रहे हैं, आप ये बोल सकते हैं। बंदर कभी भी आके इनका फोन छीन के लेके जा सकता है। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ 2 दिन में, तो अब हो जाएगा क्या पता। यू नेवर नो, तेरी जवान लग गई ना तो आईफोन गया आपका। तो गाइस मुझे ऐसी कोई दिक्कत की नहीं है, दिक्कत की बात नहीं, खाली वो स्टोरेज की थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी आईफोन है अपना वो ले लेंगे, क्योंकि जवान लगी तो दुर्घटना होगी। कुछ हमारा जाएगा तो कुछ तुम्हारा भी तो जाना चाहिए, क्योंकि तुमने बोला है। मैं थोड़ी खतरों के खिलाड़ी खेल रही हूँ भैया। खतरों के खिलाड़ी बहना, कौन सा खतरों के खिलाड़ी? यही जो आप खेल नहीं रहे हैं। रहने दो, वो देखो आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इनको देखो बंदर दोनों आ गया। ये तो थोड़ी देर में गायब होने वाली है। और पता है गाइस शिवानी है हमारे संग, उसे चश्मा पहना हुआ है, जितने लोग आते जाते उसको मिलने ना, हर कोई कह रहा बेटा चश्मा उतार दो बंदर ले जाएगा, चश्मा उतार दो बंदर। वो थोड़ी देर उतार दे रही फिर पहन ले रही। हाँ जी क्या हो गया? अरे भगवान। यस ओके चलो फिर से अच्युतम केशरम नामोदरम कहता है भगवान आते नहीं, सुदामोदर वंदनम भगवान। अरे ये नहीं है यार, शबरी के लिए। हाँ ठीक है, जहाँ पे शबरी वहाँ पे। एक मिनट, रे मोरी मैया, मुझे लग रहा है मोबाइल में चलाने पड़ेंगे, इनके बस की नहीं है, तुमसे ना हो पाई। अगर गोची हो भी ना तो गोची क्या आगे। अरे द्वार पालो उसका नैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। कहाँ से? अच्छा सुनाओ, ये पहले दे, ये उसके बाद है, ये उसके बाद है, नहीं उसके बाद है। हाँ हाँ, शिव के दर पे विश्वास लेके आया मेरे बचपन का यार कह दो, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते न जाने कहाँ से
भटकते ऐसा लग रहा है तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ऐसे करके इसको बांध दे, डबल करके यहाँ पे आ जाएगा। दौड़े चले आए मोहन को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। इसको देखो कैसे झूला झूल रहा है वहाँ पे। सुरेश मैं आपको ये बता रहा था कि ये मोटा है ना, इसलिए थक गया था, इसलिए हमको रुकना पड़ा, लेकिन हमारा 6 किलोमीटर हो गया और 6 किलोमीटर और बचा है, तो जल्दी से इसको कवर करेंगे, फिर शाम को चलेंगे निधिवन और प्रेम मंदिर और उसके बाद फिर रेस्ट करेंगे। चले ज़्यादा रेस्ट करेंगे नहीं। हाँ चलो चलो। अरे यार ये क्या हो गया? सो गाइस ये वाली जो आप परिक्रमा देख रहे हैं, ये परिक्रमा इस कुछ इस तरीके से होती है, और इसमें ना आपको मतलब यहाँ पे ऐसे देखो पत्थर आगे रख के ये परिक्रमा करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल है यार। हम लोग तो इस तरीके से कर रहे हैं, अरे से पैदल नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक है। वो लोग तो मतलब हर बार यार लेट के उसमें लेट के फिर आगे पत्थर रख के थोड़ा फिर उसका उतनी आगे फिर जाके फिर लेटना पड़ रहा, बहुत मुश्किल है यार। चलो कोई फिलहाल हमारी भी कुछ 5 किलोमीटर की बची है और हमारे फ्रेंड्स हमसे पीछे रह गए, तो हम उनके लिए हमको कहीं रुकना पड़ेगा थोड़ी देर, क्योंकि हम कह रहे हैं कि साथ चले तो ज़्यादा बेटर है, तो अभी थोड़ा आगे जाके कहीं पे रुकते हैं, उन लोगों का वेट करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, 12 किलोमीटर पूरा हो गया है यहाँ पे, जस्ट अभी ख़त्म हो जाएगा हमारा 12 किलोमीटर परिक्रमा। भाई बहुत ज़्यादा हालत खराब। गाइस एक करेक्शन है, ये 10 किलोमीटर है, ठीक है, एंड हमने ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया है। किसी ने हमको पहले 12 बताया था, लेकिन अभी पता चला है कि 10 है, तो नो प्रॉब्लम, 10 भी है, 10 किलोमीटर का परिक्रमा हम पूरी कर चुके हैं, एंड ये हो गई हमारी परिक्रमा पूरी। पूरी हो गई, बधाई हो मोटे। एक और बार कर दो, बोला भाग्य बिहारी लाल की जय। गाइस परिक्रमा पूरी करने के बाद आपको बांके बिहारी आना होता है, तो हम लोग फाइनली बांके बिहारी आ चुके हैं। अब यहाँ से जाएंगे गलियों से होते हुए मंदिर तक, बांके बिहारी के दर्शन करके आते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं, क्योंकि ज़्यादा अंदर तक तो वीडियोग्राफी होती नहीं है, जितनी अंदर तक होगी पहले मैंने आपको व्लॉग में दिखाई थी, फिर से दिखाएंगे, और उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम है या तो निधिवन और प्रेम मंदिर। शायद निधिवन का कैंसिल हो सकता है, क्योंकि यार जो हमारे फ्रेंड्स चार और लोग थे ना, वो निधिवन रास्ते में पड़ा, तो वो जाके आ गए निधिवन। सो गाइस जिस गली से अभी हम जा रहे हैं ये 1 या 2 नंबर गेट पे जाएगी, और जब पहली बार हम लोग बांके बिहारी गए थे इससे पहले वो हम 5 नंबर गेट से गए थे, तो बहुत सारे रास्ते हैं, आप देख लेना आपको कौन सा सही लगता है। हमने एक एक्सपीरियंस कर लिया, अब हम दूसरा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उस रास्ते से हम जा रहे हैं, बहुत शॉर्टकट रास्ता है एज कम्पेयर टू वाला रास्ता, क्योंकि इस रास्ते पर एक तो आप देखोगे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, और उन रस्तों पे कितनी भीड़ रहती है। और अब देखो अब हम मेन उस पे आए हैं, तो यहाँ से आपको थोड़ी बहुत भीड़ दिखने लगेगी, जो मेन बाकी वही रास्ता है। चलो देखते हैं। सो गाइस अभी एक सीन हो गया, सीन ये हुआ है कि बांके बिहारी मंदिर तो अंदर को ही, और हम लोग यहाँ से बाहर को चले गए, तो पुलिस वाले से हमने पूछ लिया क्या वो है, पुलिस वाले से हमने पूछ लिया, वरना हम तो पता नहीं कहाँ चले जाते। गाइस हम 10 किलोमीटर तो ऑलरेडी चल चुका है, सुबह से पता नहीं कितना चल चुके होंगे, और अब ना ये देखिए ये ऊपर को रास्ता जा रहा है, थोड़ा सा स्लैंट है, तो यहाँ पे लिटरली चढ़ने में थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। समाचार सिटी वाले लोग भी आए हैं न्यूज़ चैनल से, तो अभी चलते हैं आगे को यहाँ से और बाकी भी दर्शन करते हैं। ये आ गया मेन रास्ता, अब इससे निकलेंगे और सीधे मंदिर आ जाएगा। तो गाइस फाइनली हम लोग बांके बिहारी मंदिर को यहाँ से अब एंटर हो रहे हैं, तो चलते हैं बांके बिहारी मंदिर और दर्शन करते हैं। और गाइस देखो भीड़, सुबह उस वाले गेट से एंट्री तो मिल गई, तो हम वापस इस वाले गेट पे आ गए, 5 नंबर गेट है वहाँ से एंट्री लेते हैं। फाइनली हम लोग एंट्री कर रहे हैं बांके बिहारी में, यहाँ से जो 5 नंबर गेट है वहाँ से एंट्री हो रही है।
चलते हैं एंट्री करते हैं और एंट्री कर फाइनली हम लोग बाकी बिहारी से हम निकल गए और आए हैं एक जगह पे जिसका नाम है चटकारा चाट चटकारा चाट चौपाटी। वहाँ पे आए और वहाँ पे हमने अभी ऑर्डर किया है टिक्की डोसा और टिक्की और अभी हम सोडा भी ऑर्डर किया है थोड़ा सोडा पियेंगे और टिक्की को देखो कप कितना बड़ा है ठीक है और डोसा भी अच्छा है इसका मतलब बाकी बिहार से ना हल्का सा बाहर निकलोगे दो नंबर गेट से तो वहीं पर आपको मिल जाएगा वो सामने आ गए ठीक हो गया। आप लोग आ गए खा के निकल गए यहाँ से प्रेम मंदिर।